हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भटूरा जो कि सुपर टेस्टी और काफ़ी सॉफ्ट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 कप मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर ले लिया है, पानी जिसे कि मैंने हल्का गर्म कर लिया है, 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं, 2 बड़े चम्मच सूजी, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ऑयल, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी, 2 बनाने के लिए मैदा ले लेंगे। इसमें हम सूजी डालेंगे, नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे। मैदे को अच्छी तरह से मिला लेंगे, ऑयल डाल देंगे, दही डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इन सबको। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। एक बार में ज्यादा पानी ना डालें, थोड़ा डो बन चुका है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे तक के लिए रेस्ट करने छोड़ेंगे, ढक देंगे इसे। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, डो को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा डो ले लेंगे, थोड़ा तेल ले लेंगे और लोई को बेल लेंगे, रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। अगर आपको बड़े भटूरे पसंद हो तो आप इसे बड़ा बना सकते हैं, अगर छोटे भटूरे पसंद है तो आप छोटे साइज का भटूरे बनाइए। घुमाते हुए इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे। ये देखिए, आटा बिल्कुल तुरंत ही ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। भटूरे डाल देंगे, बिल्कुल साइड से डालें, हल्का हल्का साइड से प्रेस करते रहेंगे। ये देखिए, भटूरा बिल्कुल फूलने लगा है, इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ भी इसे हल्का सा दबा लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे, बाकी भटूरे भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। साइड साइड से हल्का दबाते हुए इसे फुला लेंगे अच्छे से। काफ़ी अच्छे भटूरे बन के तैयार हैं, आप इसे छोले के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।